तो दोस्तों प्रीव्यू में जो आप वीडियो देखिए, अगर आप भी इस प्रकार के अपने फोटो लेकर या फिर किसी का भी फोटो को लेकर इस प्रकार का ट्रेंडिंग या स्टेटस वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं तो सिंपली दोस्तों आपको इस वीडियो में कंप्लीट बने रहना होगा। तभी दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि कैसे हम इस प्रकार लेफ्ट राइट को स्टेटस वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है, वीडियो में एंड तक बने रहना। हमारे चैनल को नहीं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों बिना प्रकाश किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अपने अलर्ट मोशन एप्लीकेशन को इस प्रकार से ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए प्लस का जो आइकन है, प्लस पे क्लिक करना है। 9:16 रेशियो को सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट का नीचे में जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक कर देना। यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिए इस प्रकार का इंटरफेस खोल के आ जाएगा। सिंपली यहाँ पे देखिए प्लस का जो आइकन है, इस प्लस पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करना। यहाँ से जिस फोटो को लेकर आप बनाना चाहते हैं दोस्तों, इस फोटो को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, आप जिस फोटो को लेकर बनाना चाहते हैं उस फोटो को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों 3 डॉट पे क्लिक करना है। इसको फिल कॉम्पोजिशन एरिया सेलेक्ट करके यहाँ से देखिए मूव ट्रांसफर का जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करके 3 नंबर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। उसके बाद दोस्तों इस फोटो को यहाँ से जूम कर देना। ठीक है, इस प्रकार से जूम कर लेना। जूम करने के बाद दोस्तों ऊपर वाला ऑप्शन पे क्लिक करके इस फोटो को कोई भी एक साइड में आपको रख लेना कुछ इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार रख लेना। रखने के बाद दोस्तों यहाँ से फिर से आपको स्क्रीन पे टच करके बैक आना एंड इस फोटो पे क्लिक करके स्पीड वाला ऑप्शन पे क्लिक करना और इसको यहाँ से पूरे माइनस की ओर ले जाना। ठीक है, ले जाने के दोस्तों बाद क्या करना है, आपको यहाँ से 25 सेकेंड आगे चले जाना है। फोटो का मात्र आपको ड्यूरेशन कितना रखना है, 25 सेकेंड। ठीक है, 25 सेकेंड आप रख लीजिएगा दोस्तों। इतना कुछ रखने के बाद यहाँ से क्लिक करना है। उसके बाद इस वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। 25 सेकंड के बाद जो भी अदर पार्ट रहेगा वो डिलीट हो जाएगा। डिलीट करने के बाद दोस्तों स्टार्टिंग में आना, फोटो पे क्लिक करके यहाँ पे देखिए मूव एंड ट्रांसफर का जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करना। ठीक है, क्लिक करने के बाद दोस्तों सबसे पहले फोटो को यहाँ पर आप एडजस्ट कर लेना इस प्रकार। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए प्लस का जो आइकन है, एक बार प्लस पर क्लिक करना है। थोड़ा सा आगे इस प्रकार बढ़ा लेना, कुछ 4 या 5 सेकंड बढ़ा लेना यहाँ पर इस प्रकार से एंड एक बार और प्लस लगा देना और फोटो को हल्का सा स्क्रोल करके आगे बढ़ा लेना। ठीक है, कुछ इस प्रकार बढ़ा लेना एंड इसका लास्ट ड्यूरेशन में चले जाना। जाने के बाद दोस्तों यहाँ से एक और प्लस लगा देना इस प्रकार एंड इस फोटो को पूरे ही साइड में आपको लेकर रख लेना। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे रख लेना इस प्रकार। उसके बाद दोस्तों यहाँ से डन पे क्लिक कर देना। ये फोटो पे कुछ प्ले कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से एनिमेशन लग जाएगा। अब दोस्तों क्या करना है, यहाँ से एनिमेशन लगने के बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इस फोटो का जो लेंथ है, यहाँ से एनिमेशन लगाने के बाद दोस्तों आपको 5 सेकेंड रखना है। ठीक है, यहाँ पर 5 सेकेंड रख लेना इस फोटो पर क्लिक करके। यहाँ से इससे आप क्लिक कीजिएगा ये वीडियो, आपको ये फोटो यहाँ से 5 सेकेंड का जो भी अदर पार्ट रहेगा वो डिलीट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से फिर क्या करना है, आपको प्लस पे क्लिक करना, इसी जगह मीडिया पे क्लिक करना। सेकेंड फोटो को जो आप लगाना चाहते हो उस सेकेंड फोटो को यहाँ से क्लिक कर लेना। ठीक है, फोटो को क्लिक करने के बाद इस फोटो पे क्लिक करना है। स्पीड वाला ऑप्शन पे क्लिक करके फिर से इसको माइनस कर देना एंड इसका भी यहाँ से 25 सेकंड तक चले जाना। ठीक है, तो फर्स्ट फोटो का लेंथ मेरा है जो वो 5 सेकंड है, इसका 25, तो टोटल यहाँ 30 हो जाएगा। तो 30 सेकंड तक हम यहाँ से आगे बढ़ा लेंगे। ठीक है, इस प्रकार 30 सेकंड तक बढ़ा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, फोटो पे क्लिक करके इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना, एक बार ये कट हो जाएगा। होने के बाद दोस्तों फिर से क्या करना है, इस फोटो को फर्स्ट स्टार्टिंग पार्ट में आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग पार्ट में, इस फोटो का स्टार्टिंग पार्ट में आना है। यहाँ से इस प्रकार से आने के बाद दोस्तों फोटो पर क्लिक कर देना है, मूव एंड ट्रांसफर में क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से क्या करना है, इसको जूम कर लेना। ठीक है, इस प्रकार से जूम कर लेना। जूम करने के बाद दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे, बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ से बैक आना, उसके बाद फिर से फोटो पे क्लिक करके 3 डॉट पे क्लिक करना। यहाँ से फिल कॉम्पोजिशन एरिया कर देना। ठीक है, अब फिल कॉम्पोजिशन एरिया करने के बाद फिर से फोटो पे क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफर में क्लिक करना एंड इसको यहाँ से कोई भी एक साइड में आपको इस प्रकार रख लेना। ठीक है, अगर दोस्तों आपका फोटो जूम नहीं हुआ है तो और अच्छी तरह से आप यहां से फोटो को जूम करके एडजस्ट कर सकते हैं इस प्रकार। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहां से ऊपर वाला ऑप्शन पे क्लिक करके कोई भी एक साइड इस फोटो को यहां पे रख लेते हैं, तो उसको हम राइट में रख लेते हैं, इसको लेफ्ट में रख लेंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार लेफ्ट में रख लेंगे, इस प्रकार से लेफ्ट में रख लेंगे। रखने के बाद दोस्तों एक प्लस लगा देंगे, फिर से थोड़ा सा ड्यूरेशन का कुछ आगे बढ़ा लेंगे, 5 या 6 सेकेंड यहाँ से जो भी रहेगा। एक और प्लस लगा देंगे, फोटो को हल्का सा मूव करके आगे बढ़ा लेंगे इस प्रकार। ठीक है, यहाँ से एंड इसका लास्ट ड्यूरेशन में चले जाएंगे। इस प्रकार लास्ट ड्यूरेशन में जाने के बाद दोस्तों क्या करना, एक प्लस लगा देना, अरे फोटो को पूरे इधर आगे मूविंग करवा लेना, यानी कि बढ़ा लेना। ठीक है, इतना हम कुछ रख देना इस प्रकार। अब इस फोटो को भी प्ले कीजिएगा यहाँ से, देखिएगा कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पर ट्रांजेक्शन इफेक्ट लग जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से लग जाएगा। हम दोस्तों फर्स्ट में जो 5 सेकंड रखे थे और ये फोटो को 5 सेकंड था, टोटल हमारा 10 सेकंड हो जा रहा है। तो यहाँ पे 10 सेकंड आने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ से इसको कट कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से अब 10 सेकंड हमारा टोटल हो गया दोस्तों। अब यहाँ कहीं पे करें, फिर से प्लस पे क्लिक करेंगे, इससे आप वाला ऑप्शन जो इसमें क्लिक करके
इसको थ्री डॉट पे क्लिक करके यहाँ से फिल कंपोजिशन एरिया कर देना। उसके बाद कलर वाला ऑप्शन पे क्लिक करके गार्डियन कलर यहाँ से सेलेक्ट कर लेना एंड ब्लैक तरफ क्लिक करना है। उससे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से इस प्रकार से इसको मूव करके आपको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना, ठीक है। व्हाइट को आपको नीचे साइड में रखना एंड ब्लैक को आपको ऊपर साइड में रखना, ठीक है, इसको इस प्रकार से। उसके बाद ब्लैक वाला भाग पे इधर देखिए यहाँ पे है, इसमें क्लिक करना है। बीच वाला ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है, इसको यहाँ से माइनस की ओर कर लेना, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा इसको ऊपर इंक्रीज कर देना, यानी कि बढ़ा लेना कुछ इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आपका जो व्हाइट शेडो का है, यहाँ पे व्हाइट शेडो लग चुका है। अब दोस्तों व्हाइट शेडो का लेयर पे क्लिक करना है इस प्रकार से। यहाँ पे लेयर पे क्लिक करेंगे, इसमें दो बार टाइप करना है, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद इसमें एक बार टाइप कर देना है। ये आपका क्या होगा, जितना दोनों फोटो का लेंथ है उतना इस शेडो का भी लेंथ हो जाएगा। अब फिर से क्या करना है दोस्तों, प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको क्या करना है, एक आपको व्हाइट स्क्रीन का स्टेटस वीडियो सेलेक्ट करना है, ठीक है। जिस प्रकार हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, इस व्हाइट स्क्रीन स्टेटस वीडियो पे क्लिक करेंगे, ब्लेंडिंग में क्लिक करेंगे, यहाँ से डार्कन का जो ऑप्शन है डार्कन पे क्लिक कर देंगे, मल्टीप्ले को सेट कर लेंगे एंड यहाँ से इसको खींच के आपको क्या करना है, स्टेटस वीडियो को यहाँ पर एडजस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से बैक आएंगे, हम फिर से इस स्टेटस वीडियो पर क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में क्लिक करेंगे, इसको यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे इस प्रकार, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद यहाँ से बैक आने के बाद कुछ दोस्तों कुछ प्ले कीजिएगा तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका देखिए लग जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा जो कलर चेंजिंग का बात था, तो वो कलर चेंजिंग कैसे करना है, तो सबसे पहले फर्स्ट फोटो पे क्लिक करना, इफेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करना, प्लस एड इफेक्ट पे क्लिक करना और यहाँ से देखिए आपको मिल जाएगा सर्च में लिखना है क्या, एच यू लिखना है, केवल एच यू लिखिएगा दोस्तों तो फर्स्ट में देखिए हुई शिफ्ट मिल जाएगा, इसको क्लिक कर लेना। उसके बाद दोस्तों स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों फर्स्ट में क्या करना है, आपको यहाँ से एक प्लस लगा देना। लगाने के बाद दोस्तों इसको क्या करना है, 2 या 3x तक बढ़ा लेना, ठीक है। यहाँ पे हम 3x तक बढ़ा लेते हैं, 3x तक बढ़ाने से दोस्तों अच्छी तरह से आपको यहाँ कलर चेंजिंग करेगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो 3x तक यहाँ पर बढ़ा लेते हैं, यहाँ पर देखिए आपको 3x देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पे 3x हो गया। आप इसको 0-0 पे रख लेंगे, ठीक है। 3x होने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, 0-0 पे रख लेंगे इतना में एंड यहाँ से लास्ट इसका जो फर्स्ट वाला फोटो है उसका लास्ट लेंथ तक आ जाएंगे। यहाँ से इस प्रकार से आने के बाद एक प्लस लगा देंगे और फिर इसको माइनस की ओर स्क्रॉल कर देंगे, यानी कि पूरे माइनस में लेकर रख लेंगे, ठीक है, इस प्रकार से माइनस में रख लेंगे। उसके बाद यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों इस फोटो पे क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना, थ्री डॉट पे क्लिक करना, यहाँ से कॉपी इफेक्ट जो है इसमें क्लिक करके यहाँ से बैक आना एंड सेकंड फोटो में चले जाना, क्लिक करके सेकंड फोटो पे क्लिक करके इफेक्ट पे क्लिक करना, थ्री डॉट पे क्लिक करना, पेस्ट इफेक्ट इसमें क्लिक कर देना। अब दोनों का फोटो यहाँ पे हमारा जो है वो दोनों का कलर चेंज करेंगे इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अब हमको क्या करना है, एक व्हाइट ये टेम्पलेट वीडियो को ऐड करना है कलर वाला, तो प्लस पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे क्लिक करेंगे, यहाँ से जिस फाइल में आपका रहेगा उस फाइल को आपको यहाँ से ओपन कर लेना होगा, ठीक है। तो आपका जिस फाइल में रहेगा दोस्तों उस फाइल में ओपन कर लेना एंड यहाँ से एक टेम्पलेट वीडियो को ले लेना। तो देखते हैं कौन सा फाइल में मेरा, उस फाइल को ओपन करते हैं यहाँ डायरेक्ट और यहाँ से टेम्पलेट वीडियो को लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार इसको क्या करेंगे, कोई भी एक टेम्पलेट वीडियो को आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ इस प्रकार हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ से दोस्तों इस वीडियो पे क्लिक करेंगे, वीडियो पे क्लिक करने के बाद ब्लेंडिंग में क्लिक करके यहाँ से लाइटिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ से स्क्रीन कर देंगे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे देखिए हमारा टेम्पलेट वीडियो कलर टेम्पलेट वीडियो लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद टेम्पलेट वीडियो पे क्लिक करके इसका साउंड जो भी रहेगा इसको यहाँ से आपको माइनस कर देना। माइनस करने के बाद दोस्तों इस साउंड को वीडियो को भी यहाँ से साउंड को भी माइनस कर लेते हैं, तो गेहूँ को बजा कर दिखाएंगे तो कॉपीराइट क्लेम आएगा, इसलिए माइनस करके आपको पहले करके दिखाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको यहाँ पे देखने के लिए स्टेटस वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। हम दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि आपको अगर यहाँ पे आपको सेव करना है, तो सेव करने के लिए दोस्तों यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलेगा ऊपर में क्लिक कीजिएगा। ऊपर में देखिए वीडियो लिखा हुआ है, नीचे में आपको एक्सपोर्ट मिल जाएगा। एक्सपोर्ट पर जैसे क्लिक कीजिएगा दोस्तों ये वीडियो आपका फाइल में सेव होना चालू हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोग का अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।